गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, आई एम साधना कुमारी फ्रॉम महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान दरभंगा। वर्ग पंचम, विषय संस्कृत। बच्चों, आज मैं आपके समक्ष संस्कृत व्याकरण लेकर उपस्थित हुई हूँ, जिसमें कि मैं आपको संख्यावाची शब्द के विषय में जानकारी दूंगी। बच्चों, पहले भी मैं संख्यावाची शब्द जो कि 1 से 20 तक की गिनती है वो मैं आपको बता चुकी हूँ। 1 से 20 तक के संख्यावाची शब्द के विषय में मैंने आपको जानकारी दे दी है। आइए अब देखते हैं 21 से 40 तक के संख्यावाची शब्द कि यह किस प्रकार से लिखे जाएंगे। आज मैं आपको 1 से 20 तक की जानकारी तो मैं आपको प्रदान कर चुकी हूँ। आइए अब 21 से लेकर 40 तक की गिनती मैं आपको बारी बारी से बताती हूँ। संख्यावाची शब्द 21 को संस्कृत में किस प्रकार से लिखेंगे और 22 को किस प्रकार से लिखेंगे, इस तरह से 40 तक की संख्यावाची शब्द है वो मैं आपको बारी बारी से बताऊंगी। 21, 21 को कहते हैं एक विंशति ही। 22, 22 को कहते हैं द्वाविंशति ही। बच्चों, आपको यह समझना आवश्यक है कि बाद की जो संख्या है वो पहली लिखी जाती है। संख्यावाची शब्द हम जब लिखते हैं तो बाद वाला जो है वो पहले लिखा जाता है। अब आइए देखते हैं 23 को। 23 को कहते हैं त्रयोविंशति। 23 को कहते हैं 24। 24 को कहते हैं चतुर्विंशति। 25, 25 को कहते हैं पंचविंशति। 26, 26 को कहते हैं षड्विंशति। षड्विंशति यानी 26। 27, 27 को कहते हैं सप्तविंशति। सप्तविंशति का मतलब 27। 28, 28 कहते हैं, 28 को कहते हैं अष्टाविंशति ही। अष्टाविंशति को क्या कहते हैं? 28। 29, 29 को कहते हैं नवविंशति ही। नवविंशति 29 को कहते हैं। अब है 30, 30 को कहते हैं त्रिंशत्। इस प्रकार से 21 से 30 तक के जो संख्यावाची शब्द हैं वो। अब आइए अब देखते हैं 31 से 40 तक के संख्यावाची शब्द। 31 यानी 1 त्रिंशत्। 32 यानी 2 त्रिंशत्। 33 यानी 3 त्रिंशत्। 34 यानी 4 त्रिंशत्। 35 यानी 5 त्रिंशत्। 36 यानी 6 त्रिंशत्। 37, 37 यानी 7 त्रिंशत्। 38, 38 यानी 8 त्रिंशत्। 39, 39 यानी 41। 40 यानी 44। इस प्रकार से अब तक के अब मैंने आपको 1 से 40 तक के संख्यावाची शब्द के विषय में बता दिया है। आप सभी बच्चे जो पहले मैंने 1 से 20 तक के संख्यावाची शब्द बताए थे उसे भी अपनी नोटबुक में लिख लेंगे, और अभी जो मैंने 21 से लेकर 40 तक के संख्यावाची शब्द आपको बताए हैं उसे भी अपनी कॉपी में लिख लेंगे और उसे याद कर लेंगे। बच्चों, इस प्रकार से जो भी संख्यावाची शब्द मेरे द्वारा बताए जाएं उसे आप अपनी कॉपी में अवश्य ही लिख लिया करेंगे और उसे याद करेंगे। आगे के संख्यावाची शब्द लेकर मैं फिर उपस्थित होंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।